नमस्कार मित्रों, आइए आज हम जानते हैं कि पैतृक संपत्ति को अपने नाम कैसे करें, यानी जो पैतृक संपत्ति है उसको अपने नाम कैसे करें। तो पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो आपके पूर्वज छोड़कर जाते हैं। पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है, यानी पैतृक संपत्ति या प्रॉपर्टी जमीनें वह होती हैं जिसको पूर्वज छोड़कर जाते हैं। पैतृक संपत्ति को पूर्वज छोड़कर जाते हैं। उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन से पहले, उत्तराधिकार का जो अधिनियम 2005 है उसमें संशोधन से पहले परिवार के केवल पुरुष सदस्य ही प्रतिपक्षी थे, यानी कि परिवार के जो पुरुष सदस्य थे केवल वही उत्तराधिकारी होते थे उन संपत्ति का। लेकिन बाद में जो है बेटियों को भी एक हिस्सा पाने का हकदार बना दिया गया। 2005 के पहले जो है परिवार के केवल पुरुष सदस्य जो है प्रतिपक्षी होते थे, यानी उन्हीं को जो है वो संपत्ति मिलती थी। लेकिन 2005 में बेटियों को भी एक हिस्सा पाने का हक बना दिया गया, यानी बेटियां भी जो है एक हिस्सा पाने के हकदार हो गई। ऐसी संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार जन्म से ही मिल जाता है, यानी कि अब जो है बेटियों को भी ऐसी संपत्तियों में अधिकार जन्म से ही मिल जाता है। अतः अब कोई संपत्ति है तो वो जो है बेटा बेटी दोनों को समान रूप से प्राप्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो है अगर पैतृक संपत्ति होती है तो वह जो है अपने आप पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है। बस उसके लिए हमें जो है कराना क्या होता है, हमें जो है दाखिल खारिज कराना होता है और वह ज़मीन या संपत्ति हमारे नाम हो जाती है। तो धन्यवाद मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।